अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ बुशरा फातिमा और बुशरा कुकिंग शॉकिंग में आज हम बनाएंगे ढोकला। और ये ढोकला घर में बनाना बहुत ही इजी है और ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स है ये हमारे, मैंने यहाँ पे ऊपर तक की पहले मैंने बेसन लिए हैं और ये मैंने आधा ही प्याली मैंने सूजी लिया हुआ है और आधा प्याली मैंने दही लिया हुआ है। एक मिर्ची को मैंने कट कर लिया है और एक चौथाई अदरक को मैंने चार भागों में बांट लिया है। एक पैकेट इनो है जो मैं पूरा यूज़ करूँगी। और ये हमने यहाँ पे नमक चीनी लिया हुआ है, टेस्ट के हिसाब से पूरा डाल देंगे। नमक टेस्ट के हिसाब से हम डालेंगे और यहाँ पे हमने हल्दी लिया है। सबसे पहले हम अपने अदरक को इस ओखली में डाल के अच्छी तरीके से कूच लेंगे। अगर आप इसे अच्छी तरीके से कूच लेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगेगा ढोकले में। नहीं तो अगर आप खड़ा होकर डालेंगे तो ये बीच बीच में आपको मुँह में आएगा, इसलिए हम इस तरीके से हमने उसे कूच लिया है। सबसे पहले हम अपने बाउल में डालेंगे बेसन और उसके बाद सूजी और फिर हम इसमें दही, या आधा प्याली मैंने जो दही लिया है वो। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी, हमने एक कप पानी लिया हुआ है और थोड़ा थोड़ा पानी करके इसे हम सबसे पहले लिक्विड करेंगे। इस तरीके से मैं बेसन को अच्छे से इसके हेल्प से फेंट लूँगी अच्छी तरीके से। इस तरीके से फेंटने के बाद हम इसमें डालेंगे एक मिर्चा और फिर हल्दी और जो मैंने ये अदरक को कूच के रखा हुआ है ये। इसे डालने के बाद हम इसमें डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक और हम चीनी पूरा ही डाल देंगे। उसके बाद हम इसे फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी और हम ऐड कर लेंगे। इसका बैटर ना ही ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला, नॉर्मल होना चाहिए। उसके बाद इस तरीके से हमने इसको रेडी कर लिया। इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे और फिर लास्ट में हम थोड़ा सा इसमें डाल देंगे अपना कुकिंग ऑयल, जो मैं कुकिंग ऑयल भी हम इसमें थोड़ा सा साथ में ही डाल देंगे। कुकिंग ऑयल डालने के बाद इसमें हम एक पैकेट इनो जो रखे वो पूरा इनो हम इसमें डाल देंगे और फिर इसे हम इनो डालने के बाद अच्छे से मिला देंगे। जैसे ही हम इनो डालेंगे हमारा बैटर फूल जाएगा, इस तरीके का हमारा बैटर फूलता हुआ हो जाएगा। ऐसे हम इनो डालने के बाद भी हम 2 से 3 मिनट इसे अच्छे से हम फेंट लेंगे। उसके बाद हमने इसे 2 से 3 मिनट फेंटने के बाद हम अपने इस कंटेनर में इसे बैटर को पूरा निकाल देंगे, इस तरीके से पूरा डाल देंगे। इसे डालने के बाद हम अपना सभी पैटर को साफ़ कर लेते हैं। फिर हम इसे चारों तरफ से इसे टैप कर देंगे ताकि जो इसका एयर बबल है वो निकल जाए। इस तरीके से हम टैप कर देंगे। और मैंने कुकर रखा है, उसमें रख दिया मैंने पानी और पानी डालने के बाद अब हम इसमें अपना ये कंटेनर डाल देंगे और फिर हम इसमें अपने ढक्कन का सीटी और रबड़ मैंने निकाल लिया है। बस ऐसे ही आप इसे कवर कर दे ढक कर, इसे हम 15 मिनट तक हम इसे कुक करेंगे और 15 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। 15 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद मैंने इसे खोला है, इस तरीके से मैं इसे खोलूँगी और एक टूथपिक के हेल्प से मैं इसे चेक करूँगी कि ये कच्चा तो नहीं है। बीच में हम डालेंगे टूथपिक और ये देखिए मेरा टूथपिक एकदम क्लीन निकला है, मतलब ये अच्छी तरीके से कुक हो गया है और ये काफ़ी गर्म है। इसे सावधानी से अब हम आपको दिखाते हैं छौके के लिए इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे हमने कड़ी पत्ता लिया हुआ है, चीनी लिया हुआ है, कुकिंग ऑयल लिया हुआ है और पानी लिया हुआ है। 2 मिर्ची को मैंने इस तरीके से कट कर लिया हुआ है और पीला और काला सरसों मैंने लिया हुआ है। सबसे पहले एक तरफ मैं पैन चढ़ा दूँगी और उसमें मैं अपना कुकिंग ऑयल डालूँगी, मतलब रिफाइंड ऑयल थोड़ा सा डालूँगी और फिर सरसों, काला पीला दोनों सरसों, फिर लाल मिर्चा, करी पत्ता, हरा मिर्चा, करी पत्ता साथ में डाल के इसे थोड़ी देर छिटकाएंगे। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और फिर चीनी डाल के इसे हम 5 मिनट तक पकने देंगे। उसके बाद हम इसे अपने ढोकले को ठंडा कर लिए हैं। ठंडा करने के बाद इस तरीके से हम प्लेट में निकाल देंगे और ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से निकल गया है और ये एकदम अभी ठंडा, काफ़ी ठंडा नहीं है, अभी गर्म है। और इसे हम पीस पीस में इस तरीके से हम कट कर लेंगे। ढोकला खाने के लिए जब आप भी बनाएं तो इसे काफ़ी अच्छी तरीके से ठंडा हो जाने दीजिए और इसे फ्रिज में रख दीजिए और जब ठंडा हो जाएगा तभी इसका टेस्ट आपको अच्छा लगेगा और समझ में आएगा। इस तरीके से मैंने ढोकले के पीसेस कट कर लिए हैं और जो मैंने छौके रेडी किए उसे मैं इसमें इस तरीके से डाल दूंगी। चीनी डालने के बाद मैंने 5 मिनट तक इसे कुक किया था
और इसे मैं इस तरीके से बराबर अच्छी तरीके से सब तरफ डाल दूंगी। उसे 5 से 10 मिनट मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ अपना ढोकला। सो गाइज, ये लीजिए हमारा रेडी हो गया है ढोकला। तो अगर आपको हमारा ये ढोकला पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अपने फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए कि आपको ये कैसा लगा, और दुआओं में हमें याद रखिए। और ये बहुत ही टेस्टी है, तो चलिए खाते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।